हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ होममेड चाट मसाला की रेसिपी, जो बहुत इजी एंड सिंपल है। 13 लाल मिर्च ले ली है, ड्राई रेड चिली, और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स यानी कि अखा धनिया ले लिया है, 2 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा ले लिया है, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न्स यानी कि काली मिरी ले ली है, 1 टीस्पून अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स ले लिए है, 1 दालचीनी का टुकड़ा यानी कि सिनेमन स्टिक ले ली है, 3 क्लोव्स यानी कि लौंग ले लिए है। अब मैं इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करूंगी, तो पैन को गर्म होने दे, बाद में लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। बस इसमें अच्छा सा क्रिस्प आ जाए और इसकी अरोमा फैलने तक ही इसे रोस्ट करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। और इसे कंप्लीट ठंडा होने के बाद में इसे ग्राइंड कर लेना है। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो बस मैंने इसे मिक्सी में निकाल लिया है, मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी, तो 2 टेबलस्पून मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर ऐड किया है, 1.5 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक ऐड किया है, 1 और आधा टेबलस्पून, और 1 टीस्पून मैंने जिंजर पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून नमक ऐड किया, और ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून हींग। और मैं इसको आधी मिनट के लिए मिक्सी में चला लूँगी और मेरा चाट मसाला पाउडर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये मार्केट से भी अच्छा बनकर रेडी हुआ है। आप इसे हर तरह की चाट में यूज़ कर सकते हो, फ्रूट पर स्प्रिंकल करके खा सकते हो, बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, दुआओं में ज़रूर याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।